नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरें। लिंगायत मठ के साधु पर हनी ट्रैप, सुसाइड नोट में खुलासा, महिला की तलाशी जारी। खड़गे की ताजपोशी पर बोले शशि थरूर, कांग्रेस को आगे ले जाने में दूंगा आपका साथ। पंजाब, अमृतसर में ड्रोन और हेरोइन के साथ 3 युवक गिरफ्तार। छठ पर्व पर शराब की बिक्री पर रहे प्रतिबंध, दिल्ली कांग्रेस चीफ की सीएम केजरीवाल से मांग। मेहमानों का सत्कार करने में भारत ज्यादातर पश्चिम देशों से आगे, वीरेंद्र सहवाग। मूसेवाला मर्डर केस में मुंह बोली बहन अफसाना खान, शक के घेरे में, एनआईए ने की 5 घंटे पूछताछ। T20 वर्ल्ड कप, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच बारिश की वजह से रद्द, दोनों को मिला 1-1 पॉइंट। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2 बच्चों को मंच पर बुलाया, कहा यह है रोशनी का प्रतीक। बारामूला एनकाउंटर, सेना का जवान घायल, अस्पताल में भर्ती, मुठभेड़ अभी जारी। पाकिस्तानी सेना ने उत्तरी वज्रिस्तान में 4 लोगों को मार गिराया, बताया आतंकी। दिल्ली, मनोज तिवारी का केजरीवाल पर पलटवार, बोले वोट के लिए कर रहे धर्म का ढो। सोनिया ने खड़गे को सौंपी कांग्रेस की कमान, कहा मेरे सिर से एक बोझ उतर गया। तारों पर जेल से बाहर आए डेरा, सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने हनीप्रीत का नाम बदलकर रूहानी दीदी रख दिया। करंसी पर लक्ष्मी गणेश की फोटो, केजरीवाल के दाव पर घमासान, बीजेपी कांग्रेस ने खोला मोर्चा। ऋषि सुनक का पीएम बनना, ब्रिटेन में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए गौरव का दिन। यूक्रेन से युद्ध के बीच राजनाथ सिंह ने की रूसी रक्षा मंत्री से फोन पर बात। हिमाचल चुनाव में पीएम मोदी की हो सकती है 4 रैलियां, 5 नवंबर से शुरू करेंगे प्रचार। चीनी सेना को ट्रेनिंग देते पूर्व अमेरिकी फाइटर फ्लाइट इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी से अमेरिका बेनकाब। अगर रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमला किया तो बड़ी गलती होगी, बाइडेन ने पुतिन को चेताया। कांतारा की सफलता पर ऋषभ शेट्टी का बयान, बोले 18 साल काम किया, यह रातों रात नहीं हुआ। मौनी रॉय, ब्रह्मास्त्र में अपने किरदार को लेकर मौनी ने दिया चौंकाने वाला बयान, बोली फिल्म में खलनायक। उर्फी जावेद की बहन उर्सा जावेद की बोल लदाएं, देखेंगे तो भूल जाएंगे उर्फी के चर्चे। केपी एक्सप्रेस में इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।